अस्सलाम वालेकुम। चेकिंग आउट लग्जोरियस 3 BHKs एंड 4 BHKs विथ मैसिव डेक एट नथानी हाइट्स मुंबई सेंट्रल। प्रोजेक्ट बाय नथानी सोपारीवाला रियल्टी। अ 72-storied टावर एलिवेटेड फॉर एन अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द गोल्फ क्लब रेस कोर्स एंड अरेबियन सी। इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड लफिंग टावर क्रेन। And it will also be the tallest external tower crane to be deployed in India. Nathani Heights is India's fourth tallest tower. Amenities such as sports and health club, jogging track, tennis court, swimming pool, spa and sauna, jacuzzi, mini theater, salon and parlor, lounge, Wi-Fi cafeteria, amphitheater, children's area, sand garden, multi-purpose court, banquet hall and barbecue area. यहाँ पर डबल हाइट ग्रैंड लॉबी। टोटल 3 लॉबीज हैं यहाँ पर, और ये वाली लॉबी और यहाँ पर लेफ्ट और राइट में एग्जिस्टिंग टेनेंट्स के लिए है, और ये वाली जो मेन लॉबी है ये 3 and 4 BHK जो अपार्टमेंट्स है उसके लिए है। माइंड ब्लोइंग लॉबी विथ 5 एलिवेटर्स इंक्लूडिंग कैप्सूल एलिवेटर। यहाँ पर है शैंडेलियर, डबल हाइट लॉबी, फर्स्ट एलिवेटर, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड देयर इज फिफ्थ वन कैप्सूल एलिवेटर। अमेजिंग डिज़ाइन है ये। रिसेप्शन, ये है एक्चुअल लॉबी, फ्लोर की लॉबी है ये। ये आपको एज इट इज़ मिलेगी, जैसा दिख रहा है वैसे सेम कॉन्सेप्ट में मिलेगा। यहाँ पर है 3 BHK 3 BHK और यहाँ पर है 4 BHK एंड यहाँ पर भी है 4 BHK। आप इसको, और यहाँ पर है सामने कैप्सूल एलिवेटर, यहाँ पर है 3 BHK और यहाँ पर है 4 BHK। अगर आप दोनों को कंबाइन करते हो, जोड़ी बनाते हो, तो आप इन फ्यूचर बिल्डर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे आप डोर क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ से आपकी एंट्री स्टार्ट हो गई और वहाँ तक। और 3 BHK की एंट्री एक आगे से है और एक यहाँ से भी है, और यहाँ पर है सर्वेंट्स क्वार्टर। और अगर आप सेपरेट फ्लैट लेते हो तो आपकी मेन एंट्री यहाँ से है 4 BHK की। यहाँ पर है फॉयर, यहाँ राइट साइड पे टेरेस, अभी फिलहाल लॉक है ये, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसमें एडवांटेज ये है कि ये सब वॉल्स कोलेप्सेबल है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, अगर आप फ्लैट लेते हो तो आपको रॉ फ्लैट मिलेगा, तो आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपका मेन लिविंग एरिया, और यहाँ पर डेक, यहाँ पर रनिंग बालकनी जो कि कनेक्ट होती है बेडरूम से लिविंग एरिया में, और लिविंग एरिया से और एक बेडरूम के अंदर। और ये फिलहाल अभी नाइट व्यू। यहाँ पर रेलवे लाइन, और इस साइड पे पूरा वेस्ट अरेबियन सी। काफी अमेजिंग है और काफी ब्यूटीफुल सिटी व्यू। यहाँ पर है किचन, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, और ये पूरा आपको रॉ फ्लैट मिलेगा। 11.5 फीट हाइट, फ्लोर टू सीलिंग, और
हर रूम में आपको डेक मिल रही है और रनिंग बालकनी है, ये एक हिसाब से काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी ह्यूज है और यहाँ पर भी व्यू काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी अभी फॉग बहुत ज़्यादा है तो वही सबसे क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम विथ अटैच्ड वॉशरूम। शावर क्यूबिकल। दिस इज काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट रूम, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इसमें भी आपको रनिंग बैल्कनी, रनिंग डेक मिल रही है। और यहाँ पर है रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स। यहाँ पर है गेस्ट रूम और इसमें भी आपको रनिंग बैल्कनी मिल रही है। काफ़ी अमेजिंग है ये अपार्टमेंट और ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी अमेजिंग है। थर्ड बेडरूम, अटैच्ड वॉशरूम, यहाँ पर भी आपको डेक मिल रही है और वहाँ पर भी डेक है। और यहाँ पर फोर्थ एंड फाइनल मास्टर बेडरूम, यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम। ये आपको पूरा रॉ फ्लैट मिलेगा और जोड़ी ऑप्शंस भी अवेलेबल है इसके अंदर। काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी अमेजिंग फ्लैट है और काफ़ी अमेजिंग प्रोजेक्ट है। आज की डेट में मुंबई जैसे सिटी में और साउथ बम्बई जैसे लोकेशन में ऐसे स्पेशियस और लग्जोरियस फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स और ये ऐसे लग्जोरियस प्रोजेक्ट में 3 BHK और 4 BHK ऐसे मैसिव डेक के साथ मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और प्राइस में भी काफ़ी अच्छी प्राइस है ये। आप बाकी के डिटेल्स के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर डेली प्रॉपर्टी अपडेट्स।